माय नेम इज ध्रेन बर्गर, मैं चैनल पराजू गाने सीखेंगे, वो है पीयू बोले फ्रॉम द मूवी परिणीता। तो चलिए शुरू करते, लेकिन शुरू करने से पहले मेरे चैनल सब्सक्राइब कर दीजिएगा और बेल आइकन दबाना मत भूलिएगा ताकि फर्दर तौर पर नोटिफिकेशन मिल जाए। लेट्स स्टार्ट, चलिए कॉर्ड्स देख लेते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले याद रखना कि फर्स्ट फ्रेट के को लगेगी, इसकी जो स्केल है वो है जी शार्प मेजर। ठीक है, तो इसको इजी करने के लिए मैंने फर्स्ट फ्रेट के को लगाई है, तो आप ओपन कॉर्ड्स उसको प्ले कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन फिर भी एक बार कॉर्ड यूज होगा जिसको सेमी बार हम करके प्ले कर सकते हैं। तो जो सबसे पहला कॉर्ड है वो है जी मेजर। ठीक है, पहला कॉर्ड है जी मेजर। तो जो सेकेंड कॉर्ड है वो है C major, ठीक है, और जो लास्ट कॉर्ड है वो है F major। ये थोड़ी सी देर के लिए यूज हुआ है, मोस्टली G और C ही यूज हुआ है। ठीक है, लेकिन F major जो थोड़ी देर के लिए यूज हुआ है। ठीक है, तो ये तीन कॉर्ड्स हैं, फिर से देख लेते हैं। G major, C major और F major। ठीक है, आई होप आपको समझ में आ गया। तो चलिए हम रिदम की तरफ चलते हैं। चलिए पहले प्लकिंग देख लेते हैं, ठीक है, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, उसके बाद रिदम को एक्सप्लेन कर दूंगा। ठीक है, जैसे सी मेजर कॉर्ड है तो इसमें आपको 5 4 3 1 2 3 ये करना है। ठीक है, 5 4 3 1 2 3 5 4 3 1 2 3। ठीक है, ये सी मेजर के लिए है, C मेजर के लिए है 5 4 3। और ये 5 से इसलिए शुरू हुई क्योंकि इसका जो फिफ्थ नंबर का स्ट्रिंग है, ये जो नोट है, ये इसका बेस नोट है। ठीक है, C मेजर का, तो इसलिए हम फिफ्थ नंबर की स्ट्रिंग से शुरू करेंगे। तो 5 4 3 1 2 3 5 4 3 1 2 3 5 4 3 1 2 3 5 4 3 1 2 3 5 4 3 1 2 3। ठीक है, अब ये चीज जी मेजर के लिए चेंज हो जाएगी, ये हो जाएगा 6 5 4 1 2 3। ठीक है, तो उसमें जो इसका बेस नोट है वो 6 नंबर की स्ट्रिंग पे आएगा। ठीक है, ये इसलिए हम यहां से लेंगे 6 5 4 1 2 3 6 5 4 1 2 3। ठीक है, तो ये फर्क है 5 4 3 1 2 3 सी मेजर के लिए है और जी मेजर के लिए है 6 5 4 1 2 3 6 5 4 1 2 3। कुछ ऐसे साउंड करेगा। ठीक है, ठीक है, एक बार फिर से सी मेजर के लिए 5 4 3 1 2 3 5 4 3 1 2 3, जी मेजर के लिए 6 5 4 1 2 3 6 5 4 1 2 3। ठीक है, तो आई होप आपको समझ में आएगा। तो चलिए रिदम देख लेते हैं, रिदम कुछ इस तरीके से है। अब इसमें ध्यान रखने वाली चीज ये है कि जो पहला स्ट्रोक डाउन पड़ रहा है वो थोड़ा सा तेज पड़ेगा हार्ड हाथों से, और बाकी की जो तीन डाउन है वो ऊपर की 2-3 स्ट्रिंग्स पे धीरे धीरे रहेंगे। ठीक है, हल्के हाथों से डाउन 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 डाउन, फिर जो बाकी के डाउन अप है वो आप पूरी स्ट्रिंग्स पे कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन जो पहला स्ट्रोक है वो थोड़ा सा लाउड होना चाहिए, फिर उसके बाद जो 3 स्ट्रोक है वो धीरे धीरे होना चाहिए। ठीक है, फिलर भी काम करेगा, तो इसलिए एक्स्ट्रा डाउन अप नहीं लगाना है उसमें, वो जो डाउन अप दूसरा डाउन अप है वो एज अ फिलर भी काम करेगा। ठीक है, जब आप कॉर्ड चेंज करेंगे या फिर कंटीन्यूअसली इस रिदम को प्ले करेंगे। स्ट्रोक्स 8 हैं, ये याद रखिएगा, डाउन 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 डाउन, तो ये
हार्ट स्ट्रोक हो गया है, ठीक है, वो एक भी एक्स्ट्रा स्ट्रोक नहीं लगेगा इसमें, नहीं तो रिदम नहीं सही लगेगा, ठीक है। आपको समझ में आ गया, तो ये प्लकिंग और रिदम इंपॉर्टेंट पार्ट थे, क्योंकि जो इसकी प्रोग्रेशन है वो बहुत ही आसान से होने वाली है, क्योंकि इसमें सिर्फ तीन कॉर्ड्स यूज हैं और मोस्टली सी और जी ही यूज हुआ है। तो चलिए प्रोग्रेशन की तरफ चलते हैं। जो पहला पैराग्राफ है, ठीक है, उसकी जो प्रोग्रेशन रहेगी वो जी और सी ही रहेंगे, ठीक है। तो अब जो प्लकिंग पैटर्न है वो वाला पार्ट प्ले करना है यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ से ऐसे कुछ सी में चल पहली हमिंग करनी है, G to C, ठीक है, सिर्फ एक बार हमिंग करनी है, ठीक है, ऐसे ही बिल्कुल सेम ऐसे करना है, G पे हमिंग करनी है और C पे नहीं करनी है, ठीक है। फिर वापस जब G पे आना है वापस हमें हमिंग करनी है, फिर C पे नहीं करनी है, ठीक है। ये पहला पार्ट है, इसको पूरा टेक करके दिखा देता हूं फिर से। अब यहां से फिर से शुरू होगा ला ला ला, हे हे हे। तो यहां पे ला 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 जी पे करना था और हे 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 सी पे करना था, ला ला ला, हे हे हे, ठीक है। जैसे हमने जी सी पहली लाइन में किया था उसके बाद हम इसमें भी जी और सी करेंगे, क्या है जी सी जी सी जी सी सिर्फ यही है, ठीक है। और इसके बाद का जो पैराग्राफ है उसमें भी सिर्फ जो प्रोग्रेशन यूज हुई वो जी टू सी ही है, ठीक है। तो आई होप आपको पहला पैराग्राफ समझ में आ गया है, जी टू सी सिर्फ इतना है, ठीक है। अब जब लाइन शुरू होती है पी यू बोले पिया बोले, ठीक है, जी सी पी यू बोले और फिर पिया बोले सी पे पिया बोले, फिर वापस जी पे जानू ना सी पे, फिर वापस जी आ डोले जी पे हॉले हॉले सी पे, वापस जी पे क्यों ये डोले अब सी पे जानू ना, ठीक है। तो कुछ इस तरीके से है, पी यू बोले पिया बोले जानू ना जी आ डोले हॉले हॉले प्लकिंग पार्ट खत्म हो जाता है। अब यहां से रिदम शुरू होगी, जो मैंने आपको रिदम बताई थी, डाउन 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 डाउन, ठीक है। तो यहां से रिदम शुरू होगी, अब यहां पे एक चीज और ख्याल रखना है कि सी टू जी जब हम कर रहे हैं तो यहां पे हाफ ऑफ रिदम का इस्तेमाल हुआ है, पूरी पूरी रिदम एक कॉर्ड पे नहीं बजी है, तो जो डाउन सिर्फ जो डाउन डाउन स्ट्रोक है वो सी पे लगेगा और फिर बाकी जो स्ट्रोक है वो जी पे, ठीक है। सिर्फ तीन डाउन स्ट्रोक पड़ रहे हैं सी मेजर पे, जो बाकी का रिदम बजा हुआ है डाउन 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 अप डाउन अप वो पड़ेगा जी कॉर्ड पे, ठीक है। जो फिर रखना पिया सी पे आ जाएगा, पिया पे आपको सी पे वापस आना है, ठीक है। सेम पैटर्न नेक्स्ट वाले पैराग्राफ का भी वो सेम साउंड कर रहा है, ठीक है, और सेम प्रोग्रेशन रहेगी। सी पे खोलू जी पे, ठीक है, तो पर जी पे आंखों ने आंखों से सी पे सब कह दिया सी पे वापस आ जाएगा, ठीक है, सी जी टू सी, ठीक है। तो ना
अब यहाँ से फिर से शुरू होगा, यहाँ पे कंप्लीट रिदम बजेगी एक कॉर्ड पे। प्रोग्रेशन रहेगी, ठीक है, इसमें कोई चेंजेस नहीं है। बी यू बोले सी जी पे, बी या बोले सी पे, ठीक है, क्यों ये बोले जी पे, जानू ना सी पे, ठीक है, सेम आगे रहेगा। जी या बोले जी बोले बोले सी जी जानू ना सी, ठीक है। तो आई होप आपको यहां तक समझ में आ गया हो। अब आगे का पार्ट भी ऐसा है कि इसमें हाफ ऑफ रिदम का इस्तेमाल हुआ है बहुत, ठीक है। एक नदी से मैंने पूछा कितना के चली कहा, तो सी जी सी जी एफ जी सी है, ठीक है। एक नदी से मैंने पूछा कितना के चली कहा, ठीक है, इसको एक्सप्लेन कर देता हूँ। एक नदी, एक रहेगा सी पे, नदी रहेगी जी पे, ठीक है। मैंने रहेगा सी पे, फिर रहेगा पूछा जी पे रहेगा, इतना के रहेगा एफ पे, देन जल्दी रहेगा जी पे, कहाँ रहेगा सी पे, और सी पे पूरी रिदम बजे क्या रहेगी। एक नदी से मैंने पूछा इतना के जल्दी कहाँ, ठीक है। इसके बाद भी सेम प्रोग्रेशन रहेगी, दूर पी का सी पे है जी पे, बरखा के एफ पे, जल्दी जी पे कहा, दूर तेरे पी का है कि जल्दी कहा, ठीक है। अब यहाँ पे थोड़ा वो घबराई, थोड़ा सा शर्माई, यहाँ पे भी सी जी सी जी सी रहेगा, लेकिन यहाँ पे भी हाफ ऑफ रिदम का इस्तेमाल हुआ है। तो यहाँ पे सी जी सी जी सी जी आखिरी में सी, ठीक है। तो हाफ ऑफ रिदम का इस्तेमाल यहाँ पे भी हुआ, ये रिपीट होता रहेगा। इसके बाद पी यू बोले वापस आ जाएगा, पी यू बोले इसकी जो प्रोग्रेशन है वो बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड नहीं है, उसमें मोस्टली सी और जी सी जी सी जी हुआ है एक जगह पैराग्राफ में, एफ का इस्तेमाल हुआ अभी थोड़ी देर के लिए, ठीक है। तो मैं कॉर्ड्स इसके डिस्क्रिप्शन में डालूंगा, तो आप उसको देख के भी प्ले कर सकते हैं। अगर आपको कोई भी कंफ्यूजन है तो आप कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं। अगर आपको वीडियो पसंद है तो प्लीज आपसे अपने दोस्तों का शेयर कीजिए, उसे लाइक करना मत भूलिएगा। और हाँ, आप मुझे इंस्टाग्राम फेसबुक पर भी फॉलो कर सकते हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, या फिर मुझे सर्च भी कर सकते हैं।